एक बार आप इसको क्लोज से अगर देखें तो इसकी फिटिंग जो है यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर हो गई है। बैक साइड से भी अभी आपको दिखा देते हैं, और यहाँ से जो है ये बिल्कुल हैंडब्रेक के हिसाब से ही बना होता है, प्रॉपर इतना ही स्पेस होता है जितना इसमें चाहिए होती है। ये यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपार्टमेंट है, सामान वगैरह रखना हो तो ये उसका यहाँ पे आ जाता है, और ऊपर जो है ये अच्छी खासी फोम होती है ताकि ये थोड़ा सा आरामदायक रहे। एक बार बैक साइड से दिखा के सर और दिखा दीजिए पीछे जाके एक बार कि पीछे से लुक इसका कैसा आता है। कुछ ऐसा लुक जो है इसका एकदम पीछे से आएगा, तो ये सीट आगे हो रही है वरना ये बिल्कुल सीट के इक्वल जो है ये आ जाएगा। प्रॉपर रेट्स का है, कैसे लगा सकते हैं चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो में। तो भाई वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। अभी हमारे पास है एक प्रॉपर आर्मरेस्ट और गाड़ी है यहाँ पे सुजुकी की रेट्स। तो आपको रेट्स में ये लगा के दिखाते हैं कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो घर पे खुद से, और प्रॉपर आर्मरेस्ट में क्या मजा होता है लगाने के बाद। देखो मारुति की रेट्स है, अभी भी अच्छी खासी आई रही है। जैसे ये वाले जो आर्मरेस्ट है ना, ये प्रॉपर होते हैं, हर गाड़ी हर मॉडल के अंदर बिल्कुल अलग आते हैं। तो एक बार आपको गाड़ी दिखाते हैं और इसको लगा के दिखाते हैं कि आप इसको कैसे फिट कर सकते हैं। आ जाइए सर आगे की साइड से। तो ये आगे भाई हम गाड़ी के अंदर, और देखो रेट्स है, रेट्स गाड़ी के लिए ये वाला जो आर्मरेस्ट है ये बिल्कुल प्रॉपर है। देखो सेंटर कंसोल इसका कुछ ऐसा है, देखने में स्विफ्ट जैसा ही होता है, लेकिन स्विफ्ट वाला आर्मरेस्ट जो है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि साइज जो है इसका वो थोड़ा सा ऐसे इससे बड़ा होता है इसमें। तो अब ये है देखो इसका प्रॉपर आर्मरेस्ट रेट्स के लिए, और यूनिवर्सल नहीं है, बिल्कुल 100% प्रॉपर है। कुछ कपड़ा जो है आप देख सकते हैं इसका रैगजीन होती है, कुछ ऐसी लगी होती है, अंदर एक ये कंपार्टमेंट होता है सामान वगैरह रखने के लिए, और ये आर्मरेस्ट के लिए जगह होती है। लगाने का तरीका देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमने आर्मरेस्ट को ऐसे पकड़ना है, पीछे की साइड हम बैठे हुए हैं, अभी कहीं से भी आप लगाओ एक मिनट का भी काम नहीं है। ये प्रॉपर इसका जो सेंटर कंसोल है वो हो गया। अगर कोई भी गाड़ी आर्मरेस्ट के अंदर बिल्कुल प्रॉपर होती है ना, तो उसके अंदर क्या है कुछ भी स्क्रू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, चार पांच गाड़ियों को छोड़ के, जैसे कि क्विड में पड़ती है, ड्राइवर में पड़ती है, उन गाड़ियों के अंदर बिना स्क्रू के ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मारुति की ज्यादातर गाड़ियों में ऐसे ही आ जाता है। तो ये है रेट्स के लिए, लगाने का तरीका आप एक बार देख लीजिए क्लोज से। ये हो गया आर्मरेस्ट, ये हो गया सेंटर कंसोल, दोनों सीटों के बीच में हमने इसको ऐसे फंसाना है, और इसको यूं करके ऐसे नीचे की साइड हमने दबा देना है। लगाते हुए हमने ध्यान रखना है इन दोनों का, जो सीट बक्कल्स हैं ये दोनों के दोनों ऐसे साइड में आ जाएंगे, और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे नीचे हुए करते हुए जाएंगे यूं करके ये ऐसे। और ये कुछ आप इसको अपनी मतलब आप इसको कितना आगे पीछे करना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। देखो ये यहाँ पे आ गया प्रॉपर बिल्कुल 100%, और मैं इसको फुल आगे कर रहा हूँ अभी, ये कितना जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा फुल मैक्सिमम इतना आगे, और हैंडब्रेक आप इसमें यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आपको करके दिखा देते हैं, और पीछे करना चाहो तो पीछे भी कर सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो इतना है। अब बात करें इसको निकालने का, निकालने का तरीका भी बस वही है, यहाँ से पकड़िए और ऐसे खींच लीजिए ऊपर की साइड, ये निकल जाएगा। तो मतलब कुछ स्क्रू वगैरह नहीं लग रहे, और प्रॉपर इसमें ये ऐसे फंसा हुआ है। तो ये हो गया सुजुकी रेट्स के लिए प्रॉपर। एक बार आपको उस साइड से दिखाते हैं, एक मिनट रुकिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कि फिटिंग कैसी आएगी। तो जैसे हम लोग इसमें ऐसे बैठेंगे तो ये हमने पूरा अभी आगे कर लिया, इससे ज्यादा आगे हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आगे कर दिया तो हैंड ब्रेक पकड़ने के लिए बिल्कुल ऑप्शन जगह नहीं बचती इसके अंदर। पीछे आप चाहे तो थोड़ा बहुत इसको कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि जरूरत है तो, लेकिन ठीक रहता है ये इतने में। लगाने के बाद एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो कि हैंडब्रेक को यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ा ओड सा लगेगा, लेकिन जैसे आप लगा लोगे दो चार दिन तो फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप देख सकिए ऐसे आपको हैंडब्रेक को यूज करना है, ऐसे की बजाय ऐसे हाथ को जब इधर से डाल के यूं करेंगे तो हैंडब्रेक आराम से यूज हो जाता है। सीट बेल्ट वगैरह लगाने में कोई मैटर नहीं है, देखो सीट बेल्ट आराम से इसमें ऐसे लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से ऐसे खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लंबी ड्राइव वगैरह होती है ना, तो ये वाला हाथ जो है ऐसे पड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में क्या है ये आप आराम से ऐसे रख के इसको यूं कुछ इस तरीके से चला सकते हैं, तो उसमें काफी बढ़िया रहता है ये। बात नेगेटिव पॉजिटिव की करें, देखो एक तो प्रॉपर लकड़ी से बना हुआ है, तो कोई साउंड वाउंड का कोई सिस्टम नहीं है, जो यूनिवर्सल वाले के अंदर क्या चर-चर की आवाज आने लग जाती है, तो इसकी फिटिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, 100% प्रॉपर है। रेट्स के लिए है तो उसका भी कोई मैटर नहीं है कि बिल्कुल फिटिंग भी एकदम ओके ही आएगी। हैंडब्रेक के लिए थोड़ा सा ओड कह सकते हो कि आपको थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगाने की, तो इस तरीके से वो भी ठीक से काम कर जाता है। और बाकी इंटीरियर से मैचिंग हो जाता है, कलर ऑप्शन दो मिल सकते हैं, ब्लैक और बेज, लेकिन रेट्स के अंदर नॉर्मली ब्लैक ही चलता है, क्योंकि इंटीरियर पूरा का पूरा ग्रे और ब्लैक ही है, तो जो लुक है वो ब्लैक के अंदर ही काफी जो है वो अच्छा आता है। और लंबी अगर ड्राइव है तो आप आराम से कुछ ऐसे यूं पकड़ के यूं चला सकते हो, हैंडब्रेक यूज करना है तो आप कुछ इसको ऐसे कर सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जब मर्जी लगा सकते हो, कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये है रेट्स के लिए 100% प्रॉपर वुडन आर्मरेस्ट इसको बोलते हैं,
और इसका जो परचेज लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बारे में कोई और डिटेल चाहिए तो कमेंट करके आप उसकी डिटेल हमसे ले सकते हैं। ये आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।